ये दोस्तों एक बार फिर से जान लेती हैं उत्तर प्रदेश की आज दिन भर और रात तक के सभी मुख्य समाचार, ताजा और बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुफ्त राशन और आवास के बाद फ्री में डिश टीवी भी देगी मोदी सरकार, जाने किसे मिलेगा इसका लाभ। आयुष काउंसलिंग को लेकर योगी सरकार ने उठाया अहम कदम, जाने नया आदेश। यूपी की 25,000 ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल का अभियान, डिप्टी सीएम रायबरेली में सुन रहे हैं जन समस्याएं। सर्वसिद्धि योग में श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई पुण्य की डुबकी, मास पर्यंत अनुष्ठान शुरू। गोरखपुर व गोंडा स्टेशन को सेंटर ऑफ सिटी बनाने के लिए सर्वे शुरू। अयोध्या में रामलला की मूर्ति तैयार करेंगे देश के प्रसिद्ध मूर्तिकार, 8 से 9 फीट की होगी प्रतिमा। बसपा सरकार ने पूर्व मंत्री हरिलाल गौतम के 3 शस्त्र लाइसेंस निरस्त, हत्या के मामले में काट रहे सजा। यूपी में जानलेवा हुई भीषण ठंड, हार्ट और ब्रेन अटैक से एक ही शहर में 24 घंटे के भीतर 25 लोग गुजरे। सोते समय कमरे की गिरी छत, मलबे में दबा परिवार, 1.5 महीने के मासूम की मौत। उत्तर प्रदेश में राशन का निःशुल्क वितरण आज से, वितरण सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होगा। मिशन 2024 के लिए यूपी बीजेपी का ब्लूप्रिंट, योगी सरकार के मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी। यूपी पीएससी की नई वेबसाइट पर 15 दिन पहले मिलेगी भर्ती की सूचना, ओटीआर से अभ्यर्थियों को होगा ये फायदा। अचानक हथियार पर दुनिया ने बढ़ाया खर्च, भारत से यूरोप तक माहौल खराब। 32 देशों में लीगल, भारत में भी मिलेगी मान्यता। समलैंगिक विवाह पर आज सुप्रीम कोर्ट कर रहा है सुनवाई। बजट से है भारी उम्मीद, होम लोन के लिए मूलधन पर 1.5 लाख रुपए तक वार्षिक कटौती का मिलेगा लाभ। बर्फीली हवाएं यूपी में बरपा रही कहर, 29 जिलों में ठंड को लेकर अलर्ट जारी, कब मिलेगी राहत जानिए। उत्तर प्रदेश की 25,000 ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल अभियान, डिप्टी सीएम रायबरेली में सुन रहे हैं जन समस्याएं। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में शासन प्रशासन के कामों को पहुंचाने के लिए और ग्रामीण से सीधे संवाद स्थापित करने के लिए डिप्टी सीएम प्रदेश में 25,000 ग्राम चौपालों का आयोजन किया है। बता दें कि इसी कवायद में आज वह रायबरेली में आयोजन कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी और जन प्रतिनिधि उस समय वहाँ मौजूद है। आयुष काउंसलिंग को लेकर योगी सरकार ने उठाया अहम कदम, जाने नया आदेश। जी हां, बता दें दोस्तों कि आयुष दाखिले में फर्जीवाड़े के बाद प्रदेश सरकार ने अहम कदम उठाया है। अब ठेके के बजाय सरकारी सर्वर पर आयुष पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए काउंसलिंग होगी। MBBS व BDS की भांति आयुष पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग भी NIC सर्वर पर होगी। वहीं अधिकारियों ने दाखिले में फर्जीवाड़े व सेंधमारी पर अंकुश लगाने की उम्मीद जाहिर की है। मुफ्त राशन और आवास के बाद फ्री में डिश टीवी भी देगी मोदी सरकार, जाने किसे मिलेगा इसका लाभ। जी हां, बताने की केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को रहने के लिए घर और खाने के लिए राशन तो दिया ही जाता है, लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि लोगों के मनोरंजन के लिए टीवी डिश भी दिया जाएगा। इसके लिए योजना तैयार कर ली गई है, जिस पर की करीब 2,539 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की स्थिति में सुधार लाने की दिशा सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत दूरस्थ, जनजातीय, वामपंथी, उग्रवाद प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 8 लाख से अधिक डीडी फ्री डिश एसटीवी के निशुल्क वितरण की भी परिकल्पना की गई है। इससे प्रसारण के दायरे को बढ़ाने के अलावा ब्रॉडकास्टिंग उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना से संबंधित निर्माण और सेवाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में जानलेवा हुई भीषण ठंड, हार्ट और ब्रेन अटैक से एक ही शहर में 24 घंटे के भीतर 25 लोग चल बसे। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में ठंड जानलेवा हो गई है। कड़ाके की सर्दी से शहरवासियों का जीना मुहाल हो गया है। रात का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जो आज बुधवार के मुकाबले 4 डिग्री सेल्सियस कम है। ऐसे में हालात यह है कि कानपुर में केवल 2 सरकारी अस्पतालों में हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक से चल बसे हैं। सभी अस्पतालों में मरीजों की पूरी दिन भीड़ लगी रही है। हैलट, उर्सला और कार्डियोलॉजी की ओपीडी में मरीजों की संख्या अधिक रह रही है। सोते समय कमरे की गिरी छत, मलबे में दबा परिवार, 1.5 महीने की मासूम की। जी हां, बताने को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में तड़के कच्चे कमरे की छत अचानक ढह गई। इसमें पति पत्नी व उनके 3 बच्चे मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताने के ग्रामीणों की मदद और लोगों की मदद से मलबा हटाया गया, फिर सभी को अस्पताल भेजा गया है, जहाँ डॉक्टरों ने 1.5 महीने की मासूम को मृत घोषित कर दिया है।
मिशन 2024 के लिए यूपी बीजेपी का ब्लूप्रिंट, योगी सरकार के मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी। जी हां, बताने की भाजपा के संगठन के साथ ही अब उत्तर प्रदेश सरकार भी मिशन 2024 की तैयारियों में पूरी शिद्दत से जुटेगी। योगी सरकार के मंत्रियों को दो दो लोकसभा क्षेत्रों का प्रभार सौंपा जाएगा। अब से लेकर लोकसभा चुनाव तक वे मंत्री इन्हीं लोकसभा क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगे, कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति देखेंगे, नए लोगों को जोड़ने के साथ वहां की कमजोर कड़ियों का फीडबैक भी पार्टी को देंगे। यूपीपीएससी की नई वेबसाइट पर 15 दिन पहले मिलेगी भर्ती सूचना, ओटीआर से अभ्यर्थी को होगा ये फायदा। जी हां, बताने की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई वेबसाइट पर किसी भी भर्ती सूचना 15 दिन पहले ही मिल जाएगी। पुरानी वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा 2022 और अन्य भर्तियों के आवेदन चालू होने के कारण नई वेबसाइट 16 जनवरी से शुरू करने की तैयारी है। खास बात यह है कि नई वेबसाइट प्रतियोगी छात्राओं की सहूलियत का ध्यान रखते हुए तैयार की गई है। बताने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वेबसाइट का आज शुभारंभ किया है। 32 देशों में लीगल, भारत में भी मिलेगी मान्यता। समलैंगिक विवाह पर आज सुप्रीम कोर्ट कर रहा है सुनवाई। जी हां, बता दें कि समलैंगिक विवाह पर आज यानी 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। बता दें कि आज इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। वहीं सदस्यीय पीठ इस मामले में केंद्र से जवाब मांग चुकी है। इस समर्थन करने वाले लोग लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे कि भारत में इसे मान्य किया जाए। 2023 से उम्मीद, होम लोन के लिए मूलधन पर 1.5 लाख रुपए तक वार्षिक कटौती का मिले लाभ। जी हां दोस्तों, बताने की रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख कंसल्टेंसी कंपनी नाइट फ्रैंक इंडिया ने मकान खरीदने वालों के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ावा देने के लिए होम लोन की मूल धन राशि के भुगतान पर कटौती योग्य आय में सालाना 1,50,000 रुपए की अलग कटौती की छूट दिए जाने की सिफारिश की है। बता दें दोस्तों कि बेजल का तर्क है कि आयकर अधिनियम की धारा 80 सी मकान पर केंद्रित कोई लाभ या छूट प्रदान नहीं करती है, जबकि अधिकांश करदाताओं के लिए मकान पर निवेश उनके जीवन काल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण व्यय की मदद होता है। बर्फीली हवाएं यूपी में बरपा रही कहर, इन 30 जिलों में ठंड को लेकर अलर्ट जारी, जानिए कब मिलेगी राहत। यह बताने की बर्फीली पछुआ हवाएं यूपी में लगातार कहर बरपा रही हैं। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा सर्दी झांसी में रही, जहां रात का पारा 3.9 तक लुढ़क गया। इसके अलावा कानपुर में 4.4 और अयोध्या में 4.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा सूबे के 30 जिलों में सर्द दिन रह सकता है। राशन का निःशुल्क वितरण आज से, वितरण सुबह 6 से रात्रि 9 बजे तक। जी हां दोस्तों, आपको बताने की उत्तर प्रदेश के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को जनवरी में यानी इसी महीने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नवंबर का राशन बांटा जाएगा। यह वितरण आज से 16 जनवरी के बीच होगा। खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने यह जानकारी दी है कि वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा रहेगी। वितरण सुबह 6 से रात्रि 9 बजे तक किया जाएगा। दुकानदार इस समय का पालन करें। 10 रुपए में 3 साल सुरक्षा की गारंटी, 100 रुपए में पेट्रोल और सुभाषवा प्रमुख ओपी राजभर का ऑफर। जी हां दोस्तों, सुभाषवा प्रमुख ओपी राजभर ने 10 रुपए में 3 साल तक सुरक्षा की गारंटी देने का ऑफर दे दिया है। यही नहीं, 100 साल रुपए देने पर 50 रुपए पेट्रोल और 50 रुपए कार्यालय में जमा करने की बात कही है। बताने की कार्यकर्ताओं को ऑफर देने का राजभर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में राजभर 10 रुपए की रसीद कटवाने पर अपने कार्यकर्ता के सुख दुख थाना ब्लॉक जिला में मुसीबत के दौरान पहुंचने की गारंटी लेते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि हम आपको अपनी पार्टी का सदस्य बना रहे हैं। आपको कोई मुसीबत होगी थाना ब्लॉक या जिला की, आपके यहाँ कुछ सुख दुख होगा, हम बिना पैसे की आपके दरवाजे आएंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे, लेकिन हम 3 साल की गारंटी ले रहे हैं। खिचड़ी मेले में लगेंगे हेल्थ एटीएम, फ्री में श्रद्धालु करा सकेंगे 54 तरह की जांचें। जी हां, बताने की मकर संक्रांति मेले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने गोरखनाथ मंदिर में तैयारी तेज कर दी है। इसे लेकर मेले में अस्थायी अस्पताल संचालित होगा, जिसमें हेल्थ एटीएम के साथ हेल्थ कैंप लगेगा, जहां श्रद्धालु फ्री में चेकअप करा सकेंगे। बता दें कि खिचड़ी मेले में लाखों श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाते हैं। वहीं खिचड़ी मेला में स्वास्थ्य विभाग कैंप लगाएगा, यहां श्रद्धालुओं की कोरोना और सामान्य जांच तथा उपचार किया जाएगा।
नए सिरे से शुरू हुई 32,022 अनुदेशक भर्ती की लड़ाई, भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक। जी हाँ दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के 45,000 से अधिक उच्च प्राथमिक स्कूलों में अनुदेशक भर्ती की लड़ाई नए सिरे से शुरू हो गई है। 19 सितंबर 2016 को शारीरिक शिक्षा व खेलकूद के 32,022 अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती शुरू हुई थी। इनमें 11 महीने के लिए 7,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय पर नियुक्ति मिलनी थी। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें।